हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग मुझसे काफी बार पूछते रहते हो कि कुछ टिप्स बता दो जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाए, आपका हेयर हेल्दी होने लगे। सो मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करती उस बारे में, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज को एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, उसका जो क्या बोलूं, उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व वाला प्रोसेस है वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड डे टू डे बेसिस में हम कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जिससे कि हमारा जो हेयर है वो टूटने लगता है, हेयर फॉल ज्यादा होता है, हेयर ब्रेकेज ज्यादा हो जाता है, स्प्लिट एंड्स ज्यादा हो जाता है। सो तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एंड दिस वीडियो इट्स बेसिकली मेड फॉर डूज एंड डोंट्स, कि आपको करना है एंड कि आपको नहीं करना है अपने हेयर के लिए। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो इंटरेस्ट है तो एंड तक देखना, एंड पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू गाइस वांट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, एंड देयर आई पोस्ट सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स, रील्स, एंड दैट्स इट। नाउ विदाउट एनी मोर बकबक, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो डूज एंड डोंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी, सो मोस्ट ऑफ देम मैं पहले भी करती थी। मैं जब शैम्पू अप्लाई करती थी मेरे हेयर पर, मैं ऑल ओवर द हेयर को शैम्पू ऑल ओवर द हेयर में शैम्पू अप्लाई करती थी। सो दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस। तो आपको शैम्पू करना है सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प पे, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी बोलो, ड्रैंडफ बोलो एंड जो ऑयलीनेस बोलो, वो हमारे स्कैल्प में ही रहता है। एंड हेयर का जो टिप्स है, यहाँ पे जो भी सारा गंदगी रहता है, हम कोम्ब करते हैं तो वो निकल जाता है। तो जब भी आप हेयर वॉश करो, मेक श्योर दैट आप अपने शैम्पू को लेकर अपने स्कैल्प पर अप्लाई करो, नॉट द टिप्स ऑफ योर हेयर एंड द फुल लेंथ पे अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब एक्सेसिव शैम्पू को लेकर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेयर। ये हेयर को और भी ज्यादा ड्राई कर देता है। एंड स्कैल्प पे अप्लाई करो, अच्छे से मसाज करो ताकि जो भी डर्ट वगैरह है वो निकल जाए। और इससे आपका जो हेयर है इट्स बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगा एंड शैम्पू भी बहुत ज्यादा बच जाएगा। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू वॉश योर हेयर एंड अप्लाई शैम्पू, मेक श्योर दैट उसको आपको स्कैल्प पर अप्लाई करना है। नंबर टू जो डूज एंड डोंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है कंडीशनर। जब हम अप्लाई करते हैं शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई, इट्स मस्ट अप्लाई करना ही होता है। तो मैं पहले क्या करती थी, कंडीशनर को मैं स्कैल्प में भी अप्लाई करती थी एंड ऑल ओवर द हेयर भी अप्लाई करती थी, रूट्स टू टिप्स तक मैं फुल हेयर पर कंडीशनर अप्लाई करती थी। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये आपको नहीं करना है। जो कंडीशनर को आपको सिर्फ हेयर लेंथ पर अप्लाई करना है, स्कैल्प पे तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। सो कंडीशनर क्या करता है, कंडीशनर इट्स मेक्स योर हेयर शाइनी, सिल्की एंड स्मूथ एंड फ्रीज फ्री हेयर हमको प्रोवाइड करता है कंडीशनर। तो दैट्स व्हाई कंडीशनर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडीशनर को लेकर आप स्कैल्प पे अप्लाई करोगे तो वो शाइनीनेस, वो सिल्कीनेस हमको स्कैल्प में नहीं चाहिए, हमको हमारे हेयर पर चाहिए। स्कैल्प का जो रूट होता है, यहाँ पे आप कंडीशनर अप्लाई करोगे। एंड कंडीशनर इज समथिंग, इट्स काइंड थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर होता है इट्स काइंड ऑयली, तो स्कैल्प पे बिल्कुल भी मत अप्लाई करो, इट्स मेक्स योर स्कैल्प मोर ऑयली। एंड कंडीशनर अप्लाई करने के बाद मेक श्योर दैट आप अपने अच्छे से अपने हेयर को वॉश कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके अपने हेयर का जो एक्सेसिव डर है उसको निकालना है। एंड स्कैल्प पे अप्लाई करोगे तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है एंड इससे हेयर फॉल भी हो सकता है कंडीशनर को स्कैल्प में अप्लाई करने से। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू अप्लाई कंडीशनर, मेक श्योर दैट डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। नंबर थ्री, जब हमारा हेयर गीला रहता है, वेट रहता है, तब उसको कभी भी कोम्ब नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा हेयर गीला रहता है तो हमारे हेयर का जो रूट्स है, रूट होता है वो बहुत ही वीक होता है। जब हेयर सूख जाता है, हेयर जब ड्राई रहता है, तब जैसे रूट स्ट्रांग रहते हैं ना, जब हेयर वेट रहता है वो बहुत ही गीला सा रहता है एंड देन टूटने का, हेयर टूटने का चांसेस 50% तक बढ़ जाता है। सो अब मेक श्योर दैट जब आपका हेयर ड्राई हो जाए तब उसको कोम्ब करो,
वेट करो, जब अपना हेयर गीला रहता है तो बिल्कुल भी मत कॉम्ब करो, इससे हेयर फॉल और भी ज्यादा हो जाएगा। लाइक शैम्पू के बाद तो हेयर फॉल होंगे होंगे, जब आप कॉम्ब करोगे एक दो बाल तो ऐसे चले जाएंगे, बट जब आप गीले जब होंगे बाल, जब वेट होंगे तो तब उसको कॉम्ब करोगे तो और 5-6 बाल उसके साथ भी निकल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट जब आपका हेयर ड्राई हो जाए देन उसको कॉम्ब करना है। देन नंबर 4 जो स्टेप है, हेयर पर कोई भी हीट अप्लाई करने से पहले, लाइक आप स्ट्रेटनर बोलो, कर्लर बोलो, कुछ भी बोलो, एंड क्रीम पर जो भी आपको करना चाहते हो, कोई भी हेयर स्टाइलिंग करने से पहले मेक श्योर दैट एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टिंग कुछ भी हेयर स्प्रे कह लो, हेयर सीरम कह लो, अप्लाई कर, इससे आपका हेयर बच जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, हेयर जलता तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट उतना ज्यादा हीट पैदा नहीं होता है उस टूल पर, बट वो जो थोड़ा सा भी हीट होता है ना हमारा हेयर स्टाइलिंग करने से, वो लाइक आपका हेयर, जिनके हेयर बहुत ही ड्राई है, मानो जिनके कलर्ड हेयर है, मेक श्योर दैट आप एक अच्छे से सीरम अप्लाई कर लो, देन उसके बाद आप करो कुछ भी करना है तो कर्ल करना है तो स्ट्रेट वगैरह जो भी करना है, तो एक हेयर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे और सीरम अप्लाई कर लो आपके हेयर पर, इससे आपका हेयर लाइक उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू अप्लाई एनी हीट ऑन योर हेयर, अप्लाई अ गुड क्वालिटी सीरम ताकि आपका हेयर उतना ज्यादा डैमेज ना हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो बात आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, जब आप सोने जाओ ना एक ब्रेड क्रिएट कर लो एंड देन सोने को चले जाओ। लाइक हर रात इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट, मेरी दादी पहले बोलती थी कि ब्रेड करके सोने से हेयर का जो ग्रोथ होता है वो, जो लॉन्ग जो प्रोसेस होता है हेयर का जो ग्रोथ होता है वो जल्दी होता है ब्रेड करके सोने से। एंड ऑल्दो आप ऐसे खुला छोड़ के आप सोने चले जाओगे तो क्या होगा, हेयर ब्रेकेज होगा, हम ऐसे ऐसे कैसे करके सो जाते हैं एंड देन हेयर ब्रेकेज हो जाता है एंड इससे हेयर फॉल भी हो जाता है, लाइक बीच बीच में से हेयर टूटने लगता है। सो मेक श्योर दैट आप अच्छे से अपने हेयर को कॉम्ब करो, थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो एंड देन मेक अ गुड ब्रेड एंड देन सोने जाओ। इसमें लाइक आपको लगेगा मेरा हेयर सिक्योर भी है एंड एक कुछ कुछ बात होता है ना जिनमें लाइक कोई उतना ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, बट हम उन बातों को विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं उन बातों में। सो मैं बहुत मानती हूँ ब्रेड करके सोने से हेयर का जो लंबाई है वो जल्दी होता है एंड That's it. अब जब सोने को जाओ मेक श्योर दैट क्रिएट अ ब्रेड नाइस, बहुत ही टाइटली ब्रेड नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइट करोगे तो ये जो हेयर लाइन होता है ना ये ज्यादा होने लगता है, आपका फोरहेड ज्यादा बड़ा हो जाता है टाइटली ब्रेड करने से। तो मेक श्योर दैट आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे ब्रेड क्रिएट कर लो एंड देन सोने को चले जाओ एंड सबको गुड नाइट कह के। सो दीज आर द 5 डूज एंड डोंट्स जो आप लोगों को फॉलो करना ही है एंड ये लाइक छोटे मोटे चीज चेंज करने से आपका जो हेयर गेम है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा एंड लाइक आपको चाहिए ना एक गुड शाइनी हेल्दी हेयर। सो मेक श्योर दैट आप इन टिप्स को फॉलो करो, लाइक ये चीज आपको अवॉइड करना है एंड ये चीज आप लोगों को करना है एंड दैट्स इट। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेक श्योर दैट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन ताकि व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइस गेट अ नोटिफिकेशन। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।